हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी भारद्वाज। और आज हम एक बार फिर से करने वाले हैं आप सबके साथ उस मुद्दे पर बात, जो मुद्दा बीते 6 महीने से चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर, इस मामले पर अभी तक कोई कॉन्क्लूजन सामने नहीं आया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिनके जाने के बाद उनसे जुड़े कई खुलासे हुए, कई सारे सबूत सामने आए, उनसे जुड़े कई सारे रिश्तेदार सामने आए, कई सारे आरोपी भी सामने आए, लेकिन अभी तक कोई भी सच सामने नहीं आया जिससे ये बात साबित हो सके कि आखिर सुशांत के साथ जो हादसा हुआ था वो एक साजिश थी या फिर सुशांत का फैसला। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें सुशांत की लिव इन गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो 6 महीने बाद कितनी बदल चुकी है रिया चक्रवर्ती की जिंदगी। तो आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो 2021 में करने वाली है कमबैक, जी हाँ, एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती की एक नई मूवी आने वाली है बहुत जल्द इस नए साल के मौके पर। और इसी के साथ रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में मुसीबतें भी आना शुरू हो गई है। दरअसल रिया चक्रवर्ती जिस सोसाइटी में रहती थी, उस सोसाइटी से रिया चक्रवर्ती को बाहर कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर अब मीडिया वाले पूरी नजर रखे हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती कब आती है, कब जाती है, क्या कहती है, क्या करती है, उसकी हर एक चीज पर है मीडिया वालों की नजर। ऐसे में अब मीडिया वालों से बचने के लिए और मीडिया वालों से परेशान हुए सोसाइटी वालों ने उठाया कदम और कह दिया कि भाई बस बहुत हो गया, इस सोसाइटी से बाहर जाओ, क्योंकि हम मीडिया वालों से तो परेशान है ही, लेकिन साथ ही तुमसे भी परेशान है। और अब इसी के चलते सोसाइटी में दर बदर भटक रहे हैं रिया चक्रवर्ती के माँ बाप, जहां पर उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई और इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के पिता और उनकी माँ, जो सोसाइटी में दर बदर भटकते हुए अपने लिए घर खोज रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक दर्द भरा खुलासा भी हुआ। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के माँ और उनके पिता ने किया। क्या है पूरा सच इस खुलासे का रिया चक्रवर्ती की माँ और पिता को लेकर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रिया चक्रवर्ती और उनके माता और पिता का कौन सा बयान सामने आया, तो बता दें कि रिया चक्रवर्ती के माँ और पिता जो दर बदर भले ही अपने घर की तलाशी में भटक रहे हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई कि रिया के माँ और पिता ने चौंकाने वाला बयान दिया, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जब से हमारी बेटी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से प्यार किया और सुशांत के प्यार के साथ वो सुशांत के घर पर रही, लेकिन 8 जून को आ जाने के बावजूद जब सुशांत के साथ हादसा हुआ तो इस बीच हर कोई हमारी बेटी को गलत मान रहा है। हर किसी को लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती ने प्यार नहीं किया बल्कि साजिश रची है और साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस हादसे को रचा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी सोसाइटी अब मुझे, मेरी बेटी और मेरे पूरे परिवार को सुशांत का कातिल समझती है और इसी वजह से मीडिया वालों का जमावड़ा अक्सर हमारे घर के बाहर लगा रहता है और मीडिया वालों के इन सवालों से परेशान होकर और इनसे बचने के लिए हमने घर चेंज करने का फैसला लिया है, जहां पर सोसाइटी वालों ने खुद हमें ये सलाह दी कि हमें घर चेंज कर लेना चाहिए। अब हम एक ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जहां पर मीडिया वालों तक की नजर भी ना पहुंच सके, क्योंकि इनके सवालों से मेरी बेटी और हम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। ना हम सुशांत के कातिल हैं ना ही गुनेगार, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को इन मीडिया वालों ने इस तरीके से पेश किया है और हमारी इमेज बना दी है, जिसकी वजह से हर कोई सिर्फ मुझे और मेरे परिवार, मेरी बेटी रिया और शोविक को गलत समझ रहा है और इसी के चलते हर कोई हम पर नजर रख रहा है, हम पे सवाल कर रहा है। अब इन सवालों से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि हम अपना घर बदल लें, जहां पर हम अभी भी घर की तलाश में हैं। कोई भी हमें घर देने के लिए राजी नहीं, क्योंकि सुशांत केस में नाम आने के बाद रिया चक्रवर्ती और मुझे कोई भी घर नहीं दे रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें घर दे दे। ना जाने ये कौन सी सोसाइटी है जिसने सिर्फ बिना सबूत के ये मान लिया कि रिया और उसका परिवार गुनहगार है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिसके बिना पर ये कहा जाए कि मेरा परिवार या मेरी बेटी रिया गलत है जिसने सुशांत के साथ गलत किया। अगर भले ही मेरी बेटी रिया गलत निकली तो मैं उसे ज़रूर कहूँगा कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जब मेरी बेटी रिया ने सुशांत के साथ कुछ गलत नहीं किया, ना हमने सुशांत के साथ कोई गलत किया है, ना ही कोई धोखा दिया है, तो इस बीच मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बख्श दो हमारे और हमारे परिवार को और मेरी बेटी रिया चक्रवर्ती को।
क्योंकि सुशांत केस में नाम आने के बाद हमारा सिर्फ घर ही नहीं बदला जा रहा, हमें सिर्फ सोसाइटी से बाहर नहीं किया गया, बल्कि हमें अब एक गुनहगार की नजरों से देखा जाता है, ये कहकर कि सुशांत के साथ आपकी बेटी का रिलेशन था तो वही सारी सच्चाई जानती है। तो ये है पूरा सच, जहां पर किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत के माता पिता का चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जहां पर रिया चक्रवर्ती के माता पिता ने ऐसा बयान देकर खुलासा किया कि कैसे अब उनकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है उनकी बेटी और बेटे के जेल जाने के बाद, और कैसे हर कोई उनके पूरे परिवार को एक गुनहगार के तौर पर ले रहा है।